Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Nykaa is back with their Nykaa Pink Summer Sale and they are kind enough to send me a bag full of products. इसके अंदर बहुत सारे products हैं और सभी बहुत अच्छी deal पर हैं. मैं सारे brands की specific deals भी बताऊंगी, साथ साथ मेरे कौन से favorite product हैं उस particular brand में से वो भी बताने वाली हूँ. Plus obviously a Nykaa haul as well. So just in case you are interested, do watch it till the last. And इसके अलावा अगर आप कुछ और मेरे से पूछ रहे हैं, कोई recommendation चाहिए makeup, skin care, hair care में, मैं हमेशा अपने जो Q&A रिकमेंडेशन होते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करती हूँ. सो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan. वहां पर मैं Q&A रिकमेंडेशन करूंगी. तो अगर आपको कोई भी डाउट है वहां पर पूछ सकते हो. एंड आई विल रिकमेंड यू सम रियली गुड ऑफर्स दैट आर अवेलेबल ऑन Nykaa राइट नाउ. सो या सेल शुरू हो चुकी है और बहुत सारे प्रोडक्ट जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर वन प्रोडक्ट इन द बैग हैज टू बी द मोस्ट क्वर्की प्रोडक्ट आई हैव एवर रिसीव फ्रॉम अ ब्रांड. इट्स अ फैन एंड मैं समझती हूँ क्यों दिया है उन्होंने. बिकॉज समर सेल है तो उन्होंने समर का ध्यान रख के बहुत ब्यूटीफुल सा फैन दिया है विच इज क्वाइट फैंसी. आई एम लविंग इट यार, कितना ब्यूटीफुली लग रहा है. इट्स लाइक अ पिंक कलर का फैन. ये चार्जिंग वाला आता है एंड हैज अ स्टैंड एज वेल. आप इस पैसे रख भी सकते हो. पीछे बैटरी है. वी गॉट द केबल एज वेल. आई एम नॉट रियली श्योर Nykaa पे मिलता है नहीं मिलता. मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक कर दूंगी. बट या आई रियली लाइक इट. काफी क्वर्की एंड फनी प्रोडक्ट है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल रियली लाइक द बैग. बहुत अच्छा बड़ा स्पेशियस है. डेफिनेटली गोना यूज इट, रीयूज इट. एंड बिफोर यू आस्क हम कहाँ से खरीद सकते हैं, दीज आर बेसिकली PR किट्स जो आप बोल सकते हो, जो स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंसर्स को दी जाती है फॉर प्रमोशन. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Nykaa, बट जितने भी लिंक्स हैं नीचे एफिलेट होंगे. सो आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट देयर. मैं अपनी मर्जी से वीडियो बना रही हूँ, कुछ पेड पार्टनरशिप वाला सीन नहीं है. लेकिन लिंक्स आर एफिलेट सो दैट आई कैन ऑल्सो अर्न अ लिटिल. सो नंबर वन वी हैव द पैम्पलेट. दिस आउट लुक्स लाइक थोड़ा सा फट गया इस बैग में. बट या द पिंक समर सेल इज लाइक. ये वीडियो जब लाइव जाएगी सेल भी शुरू हो चुकी होगी फॉर प्राइव मेंबर्स. सो जस्ट इन केस यू डोंट नो, Nykaa पर मेंबरशिप भी होती है. अगर आप साल में 5000 उससे ऊपर की शॉपिंग करते हो, आप प्राइव मेंबर समथिंग हो जाते हो. उसके बाद गोल्डन, प्लैटिनम ऐसे भी होता है. सो एक दिन पहले प्राइव मेंबर्स के लिए सेल खुल जाती है. सो आप जितनी भी डील है आप अर्ली एक्सेस ले सकते हो, जल्दी से जल्दी शॉप कर सकते हो. एंड उसके बाद नेक्स्ट डे से सारे नॉर्मल कस्टमर्स के लिए भी खुल जाएगी. सो आज इसी टाइम जो आप वीडियो देख रहे हो, प्राइव मेंबर्स के लिए सेल स्टार्ट हो चुकी है. सो मेक श्योर यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो द पैम्फलेट नंबर वन. आई एम गोना गो इन अ रियली रैंडम ऑर्डर. कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में फॉलो नहीं करने वाली. ओके, नंबर वन आइटम विच कॉट माय आई इज दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक. ऑब्वियसली स्नीक पीक मैंने थोड़ी सी देख ही ली थी बिकॉज इतना पेशेंस मेरे में है नहीं. सो दिस इज बाय मसावा. ये लव चाइल्ड जो है ये मसावा की ब्रांड है. दिस इज लव चाइल्ड मसावा गेम ऑन मैड मैट लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक. रियली लाइक द क्वर्की पैकेजिंग. मसावा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत क्वर्की पैकेजिंग में आते हैं. आई हैड देयर नेल पेंट्स एज वेल. बहुत अच्छी मुझे लगी थी जो Nykaa के साथ कोलैबोरेशन में आई थी. बाय द वे दीज लिपस्टिक्स हैव मैकेडेमिया ऑयल, स्क्वालीन, इवनिंग प्राइम रोज ऑयल, कैफीन, मारुला ऑयल. एंड द शेड ऑफ दिस पर्टिकुलर वन इज 05 हुकुम. ओ दैट्स अ ब्यूटिफुल नेम, हुकुम. सो दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. वो ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज जितनी मेरी लाइट लिपस्टिक है ना वो काम आ जाती है. मैं इनके ऊपर अपनी लाइट लिपस्टिक लगा के इनको टोन डाउन कर लेती हूँ. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डार्क न्यूड कलर. अगर आपको न्यूड्स में डार्क कलर में लगाना पसंद है, दिस इज एक्चुअली ब्यूटिफुल. इंडियन स्किन टोन पे ये बहुत फ्लैटर करने वाला है. डेफिनेटली गोना वेयर इट सून एंड शेयर विद यू गाइस द फाइनल पिक्चर. आज तो ऑब्वियसली मैंने अपना सटल लुक किया हुआ है बिकॉज आई एम वेयरिंग ऑल पिंक. पिंक समर सेल है तो मैंने सोचा पिंक पहन लेते हैं. आई एम वेयरिंग कश्माना. बाय द वे इन केस यू वांट टू शॉप दिस ड्रेस यू कैन शॉप फ्रॉम माय ब्रांड. मैं उसकी डिटेल्स भी नीचे दे दूंगी. बट या दिस इज अ मैट लिक्विड लिपस्टिक. ये काफी अच्छे सेटल डाउन हो जाती है एंड आई लव द शेड. बहुत ब्यूटीफुल शेड है. नेक्स्ट अप वी हैव जूसी लास्टिंग टिंट. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड रॉम एंड मतलब बीच में एंड बना हुआ है. आई होप इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं. मैंने कभी इस ब्रांड के बारे में नहीं सुना. अगर आपने कुछ ट्राई किया तो प्लीज मुझे बताना. मुझे इससे पहले पता भी था कि Nykaa पे ऐसी भी कोई ब्रांड है. दिस इज जूसी लास्टिंग टिंट इन द शेड 06 फिग. मतलब इस शेड का नाम है फिग. इतनी सुंदर इसकी पैकेजिंग है. दिस इज अ टिंट सो यू कैन अप्लाई इट ऑन योर लिप्स या फिर चीक्स पे भी लगा सकते हो, आईज के ऊपर लगा सकते हो. लिप एंड चीक टिंट आर वर्सेटाइल फॉर ट्रैवलिंग या फिर आप कॉलेज गर्ल हो. आपको ज्यादा मेकअप में इन्वेस्ट नहीं करना बिकॉज आप एक प्रोडक्ट से मल्टीपल यूसेज निकाल सकते हो. सो जरा ट्राई करते हैं कि ये फिग शेड कैसा लगता है. ये टिंट है ना तो एकदम वाटर बेस्ड टिंट है. ये बिल्कुल पानी जैसा जो होता है आपने लगाया एंड देन यू कैन जस्ट डैब इट इनटू योर स्किन. काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो गया. बहुत प्यारी ग्लॉसीनेस भी आ रही है. अभी तो मैंने ब्लश लगाया हुआ है. जरा ऊपर से थोड़ा सा लगा के देखते हैं बिकॉज आई लव ब्लशेज. एकदम पिंकी लुक मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो हल्का सा लगा के देखते हैं. ज्यादा ही लगा रही बिकॉज मैंने स्मेल्स नाइस. बहुत अच्छा इसमें फ्रूटी खुशबू है. इट ब्लेंड्स रियली वेल.
मैंने बहुत हल्का लगाया तो इतना कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट यू कैन सी इसका एक बहुत अच्छा पिंक पिंक टिंट आ रहा है. ओवरऑल दिस इज नाइस, वेरी इजी टू ब्लेंड, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, लाइक बिल्कुल भी एक्सेसिवली स्प्रेड नहीं हो रहा. काफी टिंट होते हैं ना, आपके फिंगर्स को भी रेड रेड कर देते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. लुक एट द ग्लॉसीनेस. बाय द वे वी ऑल्सो हैव दीज ग्लासेस, आई डोंट नो इफ यू सेंड किया नायका ने, मे बी टू जस्ट क्रिएट सम क्वर्की लुक्स फॉर सोशल मीडिया. एंड या नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम डर्माको. ये ऑलरेडी मैंने ट्राई कर लिया था, जैसे ही रिसीव हुआ था मैंने देखा एंड आई ट्राइड इट, बिकॉज आजकल मैं सर्च कर रही थी कोई अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. सो जैसे ही आया मैंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था, सो आई कैन डेफिनेटली रिव्यू इट. इसका नाम है द डर्माको 5% प्रोपिलीन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. दिस इज फॉर डीप हाइड्रेशन, लेकिन ये ऑयल फ्री भी है एंड आई लव द ट्यूब पैकेजिंग. द बेस्ट पार्ट इज ये बहुत अच्छे से डीप हाइड्रेशन देती है मेरी ऑयली स्किन को, बट उसको ग्रीसी नहीं बनाती, हैवी नहीं फील कराती. दिस इज वेरी वेरी लाइट ऑन योर स्किन. इट इज एक्चुअली अ वेरी नाइस ड्यूप ऑफ एमोलिन क्रीम. अगर आपने ट्राई करी होगी, आपने वो रील्स एंड ऑल देखे, एमोलिन ली तो ली होगी, लेकिन मैक्सिमम लड़कियों को वो सूट नहीं करी. इट वॉज वेरी हैवी, इरिटेशन भी देती है, वो सूटेबल नहीं होती बहुत लोगों के लिए, बट दिस वन इज परफेक्ट. इनफैक्ट इसमें जो प्रोपिलीन का कंसेंट्रेशन है ना, इट इज 5x ग्रेटर दैन दोज एमोलिन क्रीम, बट ये काफी सेफ है और इफेक्टिव भी है. एंड इसका फॉर्मुला जो है वो बहुत ज्यादा कामिंग एंड सूदिंग है, अनलाइक एमोलिन क्रीम जो काफी बार रिएक्ट कर जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे रेडनेस इचीनेस दे देती है. इसके साथ वो वाला केस नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट द की इंग्रीडियंट्स, इसके अंदर है सबसे पहले 5% प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो मॉइस्चराइजेशन देता है, डीपर लेयर तक जाता है आपकी स्किन में, आउटर लेयर को बहुत लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है. फिर इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड है जो अगेन स्किन को हाइड्रेटेड फील कराता है, बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं कराता. एंड इसमें सेरामाइड भी है जो स्ट्रेंथन करता है एंड प्रोटेक्ट करता है स्किन के नेचुरल बैरियर को. सो ओवरऑल ये स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, सॉफ्ट सपल बनाता है और बिल्कुल भी इससे ग्रीसी और हैवी फील नहीं होती. एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबेन फ्री, डाई एंड मिनरल ऑयल फ्री. डर्माको के तो वैसे ही सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. अगर आपकी मेरी जैसी ऑयली ग्रीसी एक्ने प्रोन स्किन है ना, आप कुछ अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. यू कैन बाय इट फ्रॉम डर्माकोस ऑफिशियल वेबसाइट, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, लेकिन ये आपको नायका, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे भी मिलेगा. नायका पर भी इसकी डील चल रही है, मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. जस्ट इन केस आप डर्माको से लेते हो, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग फॉर अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज डर्माको हैज एम्पावर्ड 15,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर विद अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव. सो जब भी आप डर्माको से लोगे, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, विच इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. सो आप अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए भी एक अच्छे कॉज में जा रहे हो. बट अदरवाइज ये नायका एमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो. मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, सो जरूर चेक करना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज ये मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था. मैंने खुद अपने नायका की विशलिस्ट में ऐड किया होता. सो दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, जय माता दी. सो दिस इज द टिप्सी ब्यूटी सिल्क कुशन ब्लश, एंड आई डोंट नो मैंने कौन सा शेड ऐड किया था. दिस वन इज स्ट्रॉबेरी शैम्पेन. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज अपेरेंटली अ ड्यूप ऑफ शार्लेट टिल्बरी ब्लश, जो उनके ट्यूब फॉर्म में आते हैं. ये एग्जैक्ट उसका ड्यूप है, और आजकल इसकी हाइप इसलिए चल रही है बिकॉज द शार्लेट टिल्बरी वन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वाइल दिस इज अफोर्ड. Like this one is for 1200 और Nykaa की सेल पे तो आपको definitely बहुत सस्ते में मिल जाएगा. So yeah, let's see. मेरा मन है इसके लिए reels बनाने का, because मैं इसको reels पे proper ऐसे push करके निकालूंगी ना, तो काफी अच्छा content बन के आएगा. मैं काफी सारे reels पे reviews करती हूँ. Just in case you're not following me on Instagram, please go there and follow me. मैं बहुत सारे reviews अपने Instagram reels पर भी करती हूँ. But yeah, this is all the cushion blush looks like. So, इसका नाम cushion blush क्यों है, इसको आप ऐसे खोलोगे, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक एप्लीकेटर जैसा, और यहाँ पे जब आप इसको पुश करोगे यहाँ से वो प्रोडक्ट निकल के आएगा. यू कैन जस्ट डैब ऑन योर चीक्स एंड ब्लेंड इट. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट रिव्यू, बट आई कैन डेफिनेटली से ये बहुत अच्छा है, बिकॉज मैंने अपने फेलो क्रिएटर्स के रिव्यूज देखे हैं, दे लव्ड इट एंड आई ट्रस्ट देयर रिव्यूज रियली वेल. सो ये बहुत अच्छा होगा, एंड रेस्ट अश्योर्ड नायका ने इसमें डाला है तो इसमें डील भी बहुत अच्छी होगी. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. दिस इज ओले रीजेनरिस्ट रेटिनॉल 24 मैक्स नाइट सीरम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने सेम रेंज का मॉइस्चराइजर यूज किया हुआ है. अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते होंगे, आपने देखा भी होगा, मुझे इनके जो नाइट रेंज वाला मॉइस्चराइजर था ना, वो बहुत पसंद आया था. इट वॉज अमेजिंग, स्किन को इतना अच्छे से उसने नरिश किया था. लाइक अब तो हम उस एज में आ गए हैं कि हमें थोड़ा सा यू नो एंटी एजिंग पे भी वर्क करना होता है, बिकॉज आफ्टर 28-29 यू डेफिनेटली हैव टू फोकस ऑन एंटी एजिंग स्किन केयर एज वेल. तो ये पूरी रूटीन उन्हीं के लिए बनाया. दिस इज रेटिनॉल 24 मैक्स नाइट सीरम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड आई होप मॉइस्चराइजर जैसे काम किया था, सीरम भी वैसे ही काम करेगा, बिकॉज पूरा सेम रेंज का ही सीरम है. बाय द वे सीरम में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं,
नहीं है, थैलेट नहीं है, सिंथेटिक डाइज नहीं है. सो या डेफिनेटली रियली नाइस मॉइस्चराइजर. इनका मुझे बहुत ब्यूटीफुली सूट किया था, सो आई होप ये सीरम भी अच्छे से वर्क करेगा. ओके नेक्स्ट अप वी हैव अ बॉडी मिस्ट. दिस वन इज फ्रॉम द रेंज वॉन्डलर स्ट्रॉबेरी. ओके ये नायका की ना अलग अलग रेंजेस आती है उनकी, बेसिकली बाथ एंड बॉडी वाली. सो उनकी स्ट्रॉबेरी रेंज का है, और ये जब लॉन्च हुई थी ना, मुझे नायका ने पूरा इनका वो एंटायर रेंज भेजी थी, फ्रॉम बॉडी वॉश टू देयर बॉडी लोशन, और उसमें ये भी था. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी वेरी स्वीट. मतलब स्ट्रॉबेरी है, टिपिकल स्ट्रॉबेरी की मीठी खुशबू इसमें है. सो अगर आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट, बट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज मुझे इतनी मीठी मीठी खुशबू नहीं अच्छी लगती. अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग भी है, बॉडी मिस्ट है, एवरीडे यूज के लिए एकदम सेफ है. इसका मेरा फेवरेट जो वेरियंट है ना, दैट इज द ब्लू वन. मैं यहाँ पे बॉटल इंसर्ट करूंगी, स्काई ब्लू कलर की बॉटल आती है, दैट इज अमेजिंग. बहुत अच्छा फ्रेश उसकी खुशबू है, बिल्कुल ऐसा लगता है कहीं बीच पे आ गए. वो मेरी पर्सनल फेवरेट है फ्रॉम नायका. सो वो अगर डील पे होगी आप डेफिनेटली ले सकते हो. इसके अलावा मेरा नायका का फेवरेट परफ्यूम जो मैंने अभी मंथली फेवरेट्स में भी अपना फीचर किया है, दैट इज अमोए नायका का आता है, जोए डी वेरे आई थिंक. मैं यहाँ पे बॉटल इंसर्ट कर दूंगी, दैट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग. वो भी मेरा फेवरेट है. देन इनके छोटे वाले सर्कल ऐसे वाले परफ्यूम्स आते हैं, उसके अंदर ही मेरा जो एक ग्रीन कलर वाला परफ्यूम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक ऑल दीज परफ्यूम फ्रॉम नायका आर माय पर्सनल फेवरेट, बट दिस वन इज स्लाइटली फ्रूटी फॉर मी, सो आई एम नॉट गोना रिकमेंड दिस. बट अगर आपको मीठी फ्रूटी कुछ भी पसंद है तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम ब्लू हेवन. ये है ब्लू हेवन का किस एंड ब्लश लिप एंड चीक टिंट विद एवोकाडो ऑयल, मैंगो बटर एंड विटामिन ई. आई लव द पैकेजिंग, काफी क्वर्की पैकेजिंग है इसकी. मैंने ये वाली रेंज का फाउंडेशन ट्राई किया हुआ है, आई हैव ट्राइड देयर मेकअप सेटिंग स्प्रे, मैंने इसका प्राइमर भी ट्राई किया हुआ है. ये न्यू एंड अपडेटेड रेंज है बाय द वे ब्लू हेवन की, जो काफी सुंदर लग रही है. ब्लू हेवन इज अ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड, और ये है 275 का, आपको नायका की सेल पे अगेन और सस्ते मिल जाएगा. सो इट ओपन्स अप लाइक अ लिपस्टिक एंड यू कैन सी काफी अच्छी क्वांटिटी आपको मिल रही है. अगर आप एवरीडे क्विक क्विक सा मेकअप करना चाहते हो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो. सो जरा स्वाइप करके देखते हैं. वो इट्स प्रिटी, दिस इज नाइस एंड काफी सॉफ्ट है. लाइक इट डजंट फील दैट चिपचिप और ग्रीसी नहीं है, इट्स वेरी सॉफ्ट. इनफैक्ट बहुत अच्छे से ग्लाइड भी हो रहा है स्किन पे. इट इज वेरी वेरी स्मूथ, कोई भी ग्लॉसीनेस नहीं है, कोई शाइनीनेस नहीं है. इट इज लिटरली अ मैट ब्लश इन अ स्टिक, सो या रियली नाइस. व्हाट इज द शेड ऑफ दिस वन? दिस इज फ्लैशी पिंक एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. डेफिनेटली गोना ट्राई इट, काफी नेचुरल भी और सुंदर लग रहा है. दिस इज मैट, वेरी नाइस फॉर अ वेरी मैट काइंड लुक फॉर समर्स. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग जो मुझे बहुत टाइम से ट्राई करनी थी. मैं काफी इन्फ्लुएंसर्स के रिव्यू देख रही थी इस पर्टिकुलर लिपस्टिक पे. दिस इज द स्टेज 9 to 9 लव ट्राइंगल 3-in-1 लिपस्टिक. दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक. लिटरली इनकी पैकेजिंग भी ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में आती है. दिस इज बाय द वे वीगन, क्रुएल्टी फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, विच इज नाइस. हाउ डू वी ओपन इट? ओके, काफी क्वर्की इसकी पैकेजिंग है एंड अंदर से भी लिटरली ट्राइंगल शेप की लिपस्टिक है. हल्का हल्का इन्होंने एक ट्राइंगल का कर्व दिया हुआ है. बोलते हैं फटाफट. ओके आई एम इन द शेड कैरमल रोज. ओके प्लास्टिक कैरमल रोज, तो जरा खोल के देखते हैं कैसा. ओ मेरी लिपस्टिक डैमेज हो गई, आई रिसीव्ड अ डैमेज लिपस्टिक. सैडली इसका ट्राइंगल का थोड़ा शेप खराब हो गया, अंदर से थोड़ी डैमेज है. बट यार दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. सो आई डोंट नो कैमरा इस कैप्चर या बेटर. सो कैन यू सी, इस साइड एक शेड डार्क है, इस साइड हल्का सा लाइट शेड है, और ऊपर से जो आप लगाओगे तो मिक्स होके शेड आएंगे. और ऊपर से थोड़ा डेंट आ गया है बिकॉज मेरे वाली हल्की सी डैमेज्ड आई है. सो जरा स्वॉच करके देखते हैं. दिस इज वन साइड, हू इट्स गॉट क्वाइट बटरी. दिस इज वन साइड एंड दिस इज अनदर साइड. सो दीज आर द टू शेड इन वन लिपस्टिक एंड दोनों ही बहुत सुंदर है. कैन यू सी, बहुत प्यारा लाइट न्यूड कलर है और एक बहुत प्यारा पिंकी पिंकी कलर है. मैं इसको ट्राई करूँगी, आई डेफिनेटली मेक अ रील. बट या यू कैन सी प्रोमिनेंट डिफरेंस. मुझे पहले लगा बड़ी सेम टाइप होगी एक लिपस्टिक में, बट नो दीज आर लाइक प्रॉपर डिफरेंट कलर्स, विच इज नाइस. आई रियली लाइक द कंसेप्ट. लाइक आपको दो दो लिपस्टिक कैरी करने की जरूरत नहीं है. एक आपने ऑफिस में लगा ली कुछ लाइट सी, और अगर आपको हल्का सा शाम के लिए डिनर पे कहीं जाना है, थोड़ा सा लाउड करना है, तो आप इसको लाउड भी कर सकते हो. एंड द एमआरपी ऑफ दिस वन इज 449. अगेन बहुत अच्छे डिस्काउंट पे होगी, मुझे ऑलरेडी पता है. नेक्स्ट अप इज अ समर एसेंशियल जो सबको चाहिए ही होता है, विच इज अ गुड अंडरआर्म रोल ऑन. एंड आजकल मुझे केमिस्ट एट प्ले के प्रोडक्ट्स पर्सनली बहुत पसंद आ रहे हैं. मैं इनका बॉडी वॉश ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी मैं रिसेंटली इनका फेस वॉश यूज कर रही हूँ, विच इज अ सैल्सिलिक एसिड फेस वॉश, जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए, वो मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है. मैं डेली रात को वही यूज कर रही हूँ आजकल. सो आई एम रियली लाइकिंग देयर प्रोडक्ट्स, दे आर वर्किंग रियली इफेक्टिव फॉर मी. मैं पर्सनली जब जिम जाती हूँ मैं रोल ऑन स्पेसिफिकली लगा के जाती हूँ, बिकॉज आप कितना भी ऊपर से डिओड्रेंट मिस्ट परफ्यूम
परफ्यूम लगा लो, अगर अंडर आर्म में से स्मेल आएगी ना तो लिटरली दूर दूर तक आने वाली है, और वर्कआउट करते हो तो वैसी स्मेल आती है. सो या आई रियली लाइक सच रोल ऑन्स. काफी अच्छी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है, इसका पीएच है 4.0 लिखा भी हुआ है. उसमें लिखा हुआ है एएचए हेल्प्स टू लोअर द पीएच इन द अंडर आर्म एरिया, देयर बाय रिड्यूसिंग ओडर कॉजिंग जर्म्स एंड जेंटली एक्सफोलिएट. तो एक्सफोलिएट भी करता है, वहां से डेड स्किन को भी हटाता है. वाइटामिन सी है जो ब्राइटन अप करता है, हाइलुरोनिक एसिड एंड एलेंटॉइन है जो हाइड्रेट करता है. ऐसे स्किन के इन्फ्यूज प्रोडक्ट्स हमारे अंडर आर्म के लिए भी आ गए, विच इज क्वाइट कूल. खुशबू देखते हैं, इट्स नाइस. दिस इज एक्चुअली लाइक मेन परफ्यूम, मतलब अमन का कोई परफ्यूम है विच एक्चुअली स्मेल्स लाइक दिस. मैं इसको लगाती हूँ, बिल्कुल वही वाली फील आ रही है, लाइक योर हस्बैंड इज जस्ट बिसाइड यू. नाइस, आई लव इट. मुझे मेन परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, नाइस स्ट्रॉन्ग. एंड नेक्स्ट अप वी हैव नायका ग्लैमर आईज काजल. दिस इज द वन स्ट्रोक बोल्ड एप्लीकेशन वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ काजल. दिस आर इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज इन द शेड ब्राउन. मुझे बहुत टाइम से एक ब्राउन काजल चाहिए भी था, मेरे पास एक था पहले के ब्यूटी का, बट आई डोंट नो मैंने वो कहाँ गुम कर दिया, मुझे मिल नहीं रहा. सो यार लेट्स क्विकली ट्राई इट. मेरे पास आई थिंक ये वाली रेंज में और भी काजल हैं रखे हुए हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए. सो दिस आर द नायका ग्लैमर आईज काजल लुक्स लाइक. आई लव द फैक्ट कि रिट्रैक्टेबल है, तो शार्पन करने का कोई सीन ही नहीं है. और जब भी लोअर वाटर लाइन पे यूज करो ना तो अच्छी ऐसी स्लीक पेंसिल्स अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी पेंसिल से नहीं काम हो पाता. सो जरा स्वॉच करके देखते हैं. दिस इज इन द शेड ब्राउन बाय द वे. ऊ हाउ थिन इट इज, लाइक लुक एट दिस. ये तो डबल स्ट्रोक हो गया, लेकिन अगर आप वन सिंगल स्ट्रोक लगाओगे दिस इज सुपर इंटेंस एंड गुड. काफी बार ना ब्लैक ब्लैक काजल इतने अच्छे नहीं लगते, सो या ऐसा ब्राउन काजल इज परफेक्ट. आप नीचे लगाओ, स्मच कर लो, ऊपर भी लगाओ, हल्का सा स्मच कर लो, एक बहुत प्यारी ब्राउन स्मोकी आईज लुक निकल के आती है जो लाउड नहीं लगती, अनलाइक ब्लैक वाली स्मोकी आईज. सो या दिस इज एक्चुअली नाइस, डेफिनेटली गोना यूज इट नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट अप इज अ शैम्पू फ्रॉम पिलग्रिम. दिस इज द रेडेंसिल एंड एनेगिन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू विद कोरियन ब्लैक राइस. आजकल पिलग्रिम के बहुत एड्स मुझे दिखते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं. मैंने पिलग्रिम की के साथ एक काम किया हुआ है, बहुत पहले काम किया था. मैंने इनकी नाइट रेंज वाली यूज करी थी, जेजू समथिंग, आई डोंट नो, रेड वाइन समथिंग, कुछ वाइन बेस्ड रेंज थी, 2 साल हो गए हैं शायद. वो बहुत अच्छी थी, मुझे इनकी नाइट क्रीम अच्छी लगी. सो इट कंट्रोल्स हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथन अप करता है आपके बालों को. सो यार ये तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो मैं ज्यादा कॉमेंट नहीं करूंगी. अगर आपने पिलग्रिम का हेयर केयर कुछ भी ट्राई किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम मिनिमलिस्ट. हर बार मिनिमलिस्ट का सीरम आता है, लेकिन इस बार थैंक गॉड कोई मिनिमलिस्ट का सीरम नहीं आया, बिकॉज आई वॉज डन विद इट. सो यह मिनिमलिस्ट का फ्रिस्क कंट्रोल कॉम्प्लेक्स SPF 30 है इसमें. इट इज अ हेयर सीरम और SPF डली हुई है. ओके, दिस इज समथिंग वियर्ड. इसमें सेरामाइड है, केराटिन है, आर्गन ऑयल है. ये फ्रिस्क को रिड्यूस करता है, स्मूथ करता है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी. ओ, इट इज अ यूवी प्रोटेक्शन हेयर सीरम. दिस इज नाइस. ये मैं अभी कल या परसों आई थिंक अमन को ही बोल रही थी कि ब्रांड्स को ना यूवी प्रोटेक्शन बालों के लिए भी कुछ बनानी चाहिए, बिकॉज ऐसे कहीं बीची एरिया में जाओ ना तो फेस को तो आप बचा लेते हो सनस्क्रीन लगा के, लेकिन काफी बार आपके बालों में यूवी रेज की वजह से डैमेज आता है, जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है. सो यार दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. आई लव द पैकेजिंग, काफी फैंसी इसकी पैकेजिंग है. दिस सीम्स वेरी लाइट, इट्स नॉट दैट ऑयली और चिपचिपा. या इट्स एक्चुअली कोई खुशबू नहीं है, या मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स में खुशबू नहीं होती. लगा लूँ मैं अब तो, वैसे मुझे कल हेयर वॉश करना ही है. जरा ऐसी लगा के देखते हैं, वेस्ट क्यों करना प्रोडक्ट है ना, वेस्ट क्यों करना. और यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा फ्रिज है, सो जरा फ्रिज का भी देखते हैं. मैंने देखा जितने फ्रिज कंट्रोल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो फ्रिज को कम कर देते हैं, लेकिन फिर ना बाल बड़े ऑयली ऑयली लगते हैं. लाइक लुक एट दिस, अब चंपू वाले बाल लग रहे हैं ना मेरे, एकदम ऐसे फ्लैट हो गए हैं. बट या इट्स नाइस, इट्स नॉट दैट ग्रीसी. मैंने काफी सारा प्रोडक्ट लगाया था, एंड यू कैन सी मेरे बाल बाय द वे कर्ल्ड है. मैं कल फंक्शन में गई थी कर्ल करके, सो हल्के हल्के कर्ल्ड है. एंड या इट्स नॉट दैट ग्रीसी एंड चिपचिप, हल्का सा यहाँ पे ज्यादा लग गया तो एक ग्रीसीनेस दिख रही है, बट अदरवाइज इट्स गुड. नाइस, और इसमें SPF भी है विच इज गुड. आई विश ये थोड़ा ट्रैवल फ्रेंडली होता तो इसको हम अपने वेकेशन एंड ऑल पे भी ले जाते, जहाँ मेन होता है कि यार अपने बालों को सन प्रोटेक्शन चाहिए, बट इतना ट्रैवल फ्रेंडली है मुझे लग नहीं रहा. बट ओवरऑल आई लाइक इट, आई रियली लव द क्लेम्स. ये फ्रिज को कंट्रोल करता है, डी टैंगल भी करता है बालों को, एंड लाइट वेट भी है. लाइट वेट ये डेफिनेटली है, एंड या इट्स नाइस. आई डेफिनेटली ट्राई इट एंड लेट यू नो. एंड फाइनली वी हैव सनस्क्रीन. समर सेल है तो सनस्क्रीन तो ऑब्वियसली होगी, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही सनस्क्रीन दे दी नायका ने, मेरा पूरा साल का स्टॉक पूरा कर दिया. तो सबसे पहली सनस्क्रीन है फ्रॉम इनिसफ्री. दिस इज द हाइलुरोन मॉइस्ट सनस्क्रीन. ये हाइड्रेट भी करती है स्किन को, वॉटरी इसकी फिनिश है. मैंने इनिसफ्री की सनस्क्रीन के बारे में काफी सुना है, सो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई इट. दिस इज SPF 50 प्लस विद PA 4 टाइम्स प्लस प्रोटेक्शन है इसकी. ओके, दिस इज ऑल सील्ड, सो राइट पर स्वॉच करके देखते हैं. मैंने इससे पहले इनिसफ्री का कभी कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे. मैंने सीरम यूज किया जो उसका ग्रीन टी वाला सीरम था,
एंड इट्स वेरी लाइट, काफी लाइट है ये. इट फील्स लाइक अ नाइस लाइट मॉइस्चराइजर. ये वो सनस्क्रीन वाला तो कुछ हैवीनेस फील नहीं हो रही. कैसी खुशबू है. एक तो मैंने रोल ऑन के ऊपर सनस्क्रीन लगा लिया तो आई थिंक वो लेयर अप हो गई. नहीं इसमें खुशबू नहीं है. या इट हैज़ नो प्रोमिनेंट स्मेल विच इज़ गुड एंड दिस फॉर 1650. बट अगेन नायका की सेल चल रही है तो कुछ ना कुछ अच्छे डिस्काउंट पे होगी. आई लव द पैकेजिंग, वेरी वेरी स्लीक. आप इसके ट्रैवल भी कर सकते हो. वी हैव न्यूट्रीजना की अल्ट्रा शियर ड्राई टच सन ब्लॉक. ये तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सनस्क्रीन है बिकॉज ये काफी लोगों को बहुत अच्छे सूट करती है कि लोग पागल हो जाते हैं इसी को यूज करते हैं. और काफी लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करती कि उनको यूज करती दाने निकल आते हैं ऐसे, बहुत मैट मैट फील होती है. सो ये मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत यूज करी है, तब मुझे अच्छी लगती थी. मे बी बिकॉज तब इतनी वैरायटी नहीं थी, तब इतने ब्रांड्स नहीं थे. अब हमारे पास अच्छी ब्रांड्स हैं, वैरायटी बहुत है, तो मैं ज्यादा इसको अब इतना यूज नहीं करती. इसका व्हाइट कास्ट बहुत ज्यादा आता है, मैंने नोटिस किया इसमें व्हाइट कास्ट एक आता है. एंड दिस इज वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट, नो व्हाइट कास्ट लिखा है, लेकिन आई डोंट नो इसमें व्हाइट कास्ट मुझे फील होता है. अगर आपने ट्राई करी है तो प्लीज मुझे बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. नेक्स्ट सनस्क्रीन इज फ्रॉम फिक्स्ड डर्मा शैडो SPF 50. दिस इज डर्मैट रिकमेंडेड एज वेल. काफी सारे डर्मैट ये वाली सनस्क्रीन रिकमेंड करते हैं. इसके तो IPL में आजकल एड भी आ रहे हैं. दिस इज ओपेक जेल सूटेबल फॉर एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन. यस, जितने भी डर्मैट है ना वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए यही वाली सनस्क्रीन रिकमेंड करते हैं. यू कैन रीड ऑन द पैकेजिंग एज वेल. एंड दिस इज नॉन ऑयली PA ट्रिपल प्लस है. इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन है. सो जरा ट्राई करके देखते हैं. मैंने जस्ट अभी वीडियो बनाई है माई टॉप फेवरेट सनस्क्रीन की, उसमें मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन फीचर करी है. एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफी सनस्क्रीन रहती है, सो मोस्ट प्रोबेबली मैं पार्ट टू बनाने वाली हूँ. सो लेट मी नो आपको पार्ट टू चाहिए नहीं चाहिए. अगर चाहिए तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक. और इसमें लिखा है ओपेक जेल. सो ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है. नो, ये जेल क्यों लिखते हैं यार, मैं बुद्धू बन जाती हूँ कि जेल बेस्ड है. बट नहीं, इट्स लाइक अ प्रॉपर लोशन सॉर्ट ऑफ सनस्क्रीन. बट अगेन इसका भी वो इनिस्फ्री जैसा ही टेक्सचर, इट इज वेरी लाइट, इट्स नॉट दैट थिक थिक और जैसे बहुत ओवर हैवी वाली सनस्क्रीन होती है ना. नो या इट्स वेरी लाइट, नाइस. सो ये मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी. ये तो मेरी डर्मैट ने ही बोला था कि अगर आप बायोडर्मा अफोर्ड नहीं कर सकते, बायोडर्मा बहुत महंगा लग रहा है, लाइक मेरी डर्मैट ने सबसे पहले बायोडर्मा ही बोला था. बट इफ यू कैन यूज दीज फिक्स डर्मा की शैडो, ये भी अच्छे हैं, एकदम सस्ती भी है और डर्मैट रिकमेंडेड भी है. फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज द डॉक्टर शायद सेरामाइड एंड वाइटामिन सी लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन. सो ये सेरामाइड और वाइटामिन सी जो डॉक्टर शायद की सनस्क्रीन आती है ना, उन्होंने इसी में ही एक लॉन्ग लास्टिंग वर्जन निकाला है. सो दिस वन इज बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मुला. 360 मिनट्स की आपको ये सन प्रोटेक्शन देती है. अगेन सेरामाइड वाइटामिन सी फॉर्मुलेशन बिल्कुल सेम है, ज्यादा इतना कोई डिफरेंस नहीं है. द ओनली थिंग इज ये लॉन्ग लास्टिंग है. या द टेक्सचर इज वेरी सेम. ये बिल्कुल वही वाइटामिन सी और सेरामाइड की जो सनस्क्रीन आती है ना डॉक्टर शेड्स की, टेक्सचर बिल्कुल इसका वैसा है. द ओनली थिंग इज दिस इज लॉन्ग लास्टिंग एंड आई लव द ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग. सो डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे. इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम पे Q&A रिकमेंडेशन करूंगी. सो मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आपको कुछ भी पूछना है फ्रॉम फाउंडेशन, स्वॉच, लिपस्टिक रिकमेंडेशन, कोई स्वॉच चाहिए जो मेरे पास प्रोडक्ट हो, मैं उसका स्वॉच भी डाल दूंगी सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए. सो आप वो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो. सो या कैच मी अप ऑन इंस्टाग्राम. बट फॉर नाउ I am ending this video. I hope you like it. Give it a big thumbs up. Subscribe to my channel. Watch my other Nykaa hauls as well. मैंने बहुत सारे Nykaa के summer sale नहीं, pink sale जितनी भी आती है मैंने सबके haul बनाए हुए हैं. So आप वो भी check कर सकते हो. And just in case you want to shop this beautiful pinky floral dress, ये भी आप ले सकते हो from my brand Kashmana. इसका link मैं नीचे description box में डाल दूंगी. And yeah, with this I am ending this video. See you next time. Bye bye.